सो वेलकम बैक गाइस। तो हमने बेंटन क्लासिक, बेंटन एलियन फोर्स और बेंटन अल्टीमेट एलियंस में एलियंस का जो डिज़ाइन देखा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और औसम था। मगर अब वही एलियंस अगर बेंटन ओमनिवर्स सीरीज में देखेंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा भद्दा और बेकार कर दिया गया था। शायद इस वजह से बेंटन ओमनिवर्स सीरीज इतना चल नहीं पाया और वो फ्लॉप हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एलियंस के बारे में बताने वाला हूँ जिसको ओमनिवर्स सीरीज़ में पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ह्यूमंगसोर। ह्यूमंगसोर हमें पहली बार बेंटन एलियन फोर सीरीज़ में देखने को मिला था, जहाँ पर इसका डिज़ाइन वाइज तो काफ़ी बढ़िया था। मगर आप अगर ह्यूमंगसोर को बेंटन ओमनिवर्स सीरीज़ में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बेंटन ओमनिवर्स में ह्यूमंगसोर को एक बेल्ट और एक कच्छा पहना दिया गया था, जिसमें इसका पावर जो लुक था वो पूरी तरीके से बदल गया था। और बेंटन ओमनिवर्स सीरीज़ में ह्यूमंगसोर का डिज़ाइन और ज़्यादा ख़राब कर दिया गया था। तो अगला है फोर आर्म्स। फोर आर्म्स हमें पहली बार बेंटन क्लासिक में देखने को मिला था, जहाँ पर इसका डिज़ाइन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। मगर उसके बाद बेंटन एलियन फोर सीरीज़ में इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, जहाँ पर इसके लंबे बाल और कुछ येलो कलर का कुछ डिज़ाइन देखने को मिला था। मगर ये फिर भी ठीक था। मगर बेंटन ओमनिवर्स सीरीज़ में तो इसको पूरे हद ही पार कर दी, जहाँ पर इसको देखने को मिला था लंबा सा गला है और बहुत ही ख़राब बॉडी है। तो फोर आर्म्स को बेंटन ओमनिवर्स सीरीज़ में और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया गया था। तो अगला है क्रोमास्टोन। क्रोमास्टोन में पहली बार बेंटन एलियन फोर्स और बेंटन अल्टीमेट एलियंस में देखने को मिला था, जहाँ पर इसका डिज़ाइन और लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिला था। मगर आप अगर बेंटन ओमनिवर्स की बात करेंगे तो क्रोमास्टोन का डिज़ाइन पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया और उसमें बहुत ही ज़्यादा ख़राबी देखने को मिली। तो क्रोमास्टोन का लुक भी बेंटन ओमनिवर्स में ख़राब कर दिया गया था। तो अगला है स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी हमें पहली बार बेंटन एलियन फोर सीरीज़ में देखने को मिला था, जहाँ पर इसका डिज़ाइन और लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। मगर ओमनिवर्स सीरीज़ में स्पाइडर मंकी को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया था, जिसमें इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ओमनिवर्स सीरीज़ में भी स्पाइडर मंकी का लुक बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया गया था। तो अगला है स्वॉर्म फायर। स्वॉर्म फायर हमें बेंटन एलियन फोर्स के पहले ही एपिसोड में देखने को मिला था, जहाँ पर इसका लुक और डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। मगर आप इसको अगर बेंटन ओमनिवर्स सीरीज़ में अगर देखेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये स्वॉर्म फायर है। आप ही देखिए कितना बेकार सा लुक कर दिया है स्वॉर्म फायर का। तो नेक्स्ट है अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी हमें पहली बार अल्टीमेट एलियन सीरीज़ में देखने को मिला था और इसका लुक देखिए कितना बढ़िया था। मगर ओमनिवर्स सीरीज़ में इसका लुक काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया गया था। पहली बात तो इसको 8 टांग दे दिया है, देखो कितना बेकार लग रहा है 8 टांगों में, और इसका मुंह देखो कितना भद्दा कर दिया है। तो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को भी ओमनिवर्स सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा बेकार कर दिया गया था। तो गाइस और भी काफ़ी सारे एलियंस है जिसका डिज़ाइन ओमनिवर्स सीरीज़ में ख़राब कर दिया गया था, मगर मैं आपको इस वीडियो में कुछ चुनिंदा एलियंस को ही दिखाया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।